ले चलते उदयपुर की खबर की ओर, जहां पर पुलिस चौकी से मात्र 250 मीटर की दूरी पर महिला के साथ किया गया गैंगरेप। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को महिला अपने ससुराल से पियर एकली जा रही थी। कच्चे रास्ते पर पैदल जाने के दौरान एक बाइक पर 3 युवक आए, इसमें 2 युवक वही उतर गए और एक बाइक लेकर चला गया। इसके बाद महिला से बात करने की कोशिश की, जब उसने बात नहीं की तब दोनों आरोपी महिलाओं को खींचते हुए खेत में ले गए। बाद दोनों युवकों ने गैंगरेप किया। महिला उसे छोड़ने के लिए चिल्लाती रही, मगर आरोपियों ने उसके मुंह को हाथ से दबाए रखा। इसके बाद महिला भागती हुई बिना साड़ी ही पुलिस चौकी पहुंची। हालांकि तब तक दोनों आरोपी भाग गए थे। मौके पर एक युवक की घड़ी और साड़ी पड़ी मिली। उसके बाद सूचना पर महिला के पति और पिता भी चौकी पहुंचे। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। कल एक दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसमें एक महिला के साथ 2 व्यक्तियों ने दुष्कर्म का किया है और एक तीसरा मोटरसाइकिल पे उनको छोड़ के गया था। इस संबंध में कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एडिशनल SP हेडक्वार्टर कल से ही लगातार इसमें कैंप करते हुए और इसके आरोपियों की तलाश और अनुसंधान का सुपरविजन कर रहे हैं। मैं भी मौके पर ही हूँ और मौका मेरे द्वारा देख के और सारी घटनाक्रम समझा गया है और जो संबंधित अधिकारी हैं, SHO भी यहीं मौजूद हैं, CO हैं, एडिशनल SP हैं, सबको आरोपियों की तलाश और अनुसंधान को ढंग से करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई आरोपी सर हिरासत में अभी नहीं मिला है, लेकिन हम शीघ्र ही उनको दस्तयाब कर लेंगे। हमारी टीमें लगी हुई हैं, कई सारी टीम बना के और इस कार्य में लगाया हुआ है।